Hi guys, welcome back to my channel. Guys, today I will make बरुआ बैंगन की रेसिपी. इसके लिए मैंने बैंगन को पहले से अच्छे से वॉश करके रखी है. अब मैं इसे कट लगा के इस तरह चेक कर लेती हूँ, इसमें कीड़े उड़े हैं कि नहीं. इस तरह कट लगा के चेक कर लेना है. अब यहाँ मैंने लिया है एक प्लेट. यहाँ मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून लिया है. अब मैंने लिया है फ्राई मसाला, सॉफ्ट करेंडर सीड्स, ड्राई रेड चिली, अजवाइन. इन सारे मसाला को मैंने रोस्ट कर लिया था. रोस्ट करने के बाद इसे मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया था. इसके बाद मैंने 1 टीस्पून इस तरह फ्राई मसाला लिया है. अब यहाँ मैंने लिया है कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, अमचूर पाउडर 1 टीस्पून लिया है, मस्टर्ड ऑयल 1 टीस्पून ऐड किया है. अब मैं सारी चीज़ों को इस तरह एक साथ मिक्स कर लेती हूँ. मैं जो स्टफिंग बनाई है इसे मैं इस तरह बैंगन में फिल कर रही हूँ. इस तरह भर भर के नहीं फिल करना, थोड़ा थोड़ा फिल करना है. गैस बैंगन के लिए जो स्टफिंग मैंने बनाई है इसे बनाना बहुत ही आसान है. कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है. आपकी किचन में जो मसाला हमेशा रहते हैं आप उसी से इस तरह स्टफिंग बना के रेडी कर सकते हो बैंगन के लिए, करेले के लिए. गैस सारी बैंगन में इस तरह मसाला फिल कर लिया है मैंने. अब यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई. यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल 1 टीस्पून लिया है. ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है. अब मैं डाल रही हूँ बैंगन. अब मैं इसे लीड लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करूँगी. 5 से 6 मिनट हो गया है गाइस. अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ. गाइस आप देख सकते हो 50% कुक हो गया है बैंगन. मैं इसे ऑयल से बाहर निकाल रही हूँ. अब मैंने इसी ऑयल में और 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है. अब मैं डाल रही हूँ चॉप अनियन. मैंने 1 बिग साइज की अनियन लिया था, इसे मैंने चॉप कर लिया था. अब मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, चॉप ग्रीन चिलीज. मैंने 4 से 5 ग्रीन चिलीज लिया था. अब यहाँ मैंने ऐड किया है चॉप टोमेटो. मैंने 2 टोमेटो लिया था. अब यहाँ मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून लिया है, करिंडर पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है, नमक आप अपना स्वाद के अनुसार डालिए, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून लिया है मैंने. अब मैं सारी मसाला को इस तरह मिक्स कर लेती हूँ. अब इसे 2-3 मिनट के लिए लीड लगाकर कुक करना है. मसाला फ्राई हो गया है गाइस, आप देख सकते हो. अब मैं स्टेज में डालूंगी 1 ग्लास वाटर. जो फ्राई करके बैंगन रखी थी अब मैं इसे डाल रही हूँ ग्रेवी में. अब लीड लगाकर 8 से 9 मिनट के लिए कुक करूंगी. 8 से 9 मिनट हो गया है गाइस, आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट एंड इजी घर के मसालों से बनके रेडी है बरुआ बैंगन की सब्जी. कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट ऐसे ज़रूरत नहीं है गाइस. आप इस तरह इजी तरीक़े से बना सकते हो. मैंने आपको इजी सिंपल तरीके से शेयर किया है बरुआ बैंगन की सब्जी. आप इसे डिनर पे भी बना सकते हो, लंच के टाइम भी बना सकते हो गाइस. गाइस ये बरुआ बैंगन की सब्जी आपको कैसे लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए. एंड मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस. लाइक करें, शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.